दोस्तों आज के वाले वीडियो में मैं काफी अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स देखने वाला हूं, तो चलो शुरू करते इस पेन वाले साइंस एक्सपेरिमेंट्स। एंड ये 40 क्रेजी साइंस एक्सपेरिमेंट्स हम लोग अपने घर में भी कर सकते हैं, तो चलो गाइस देखते हैं। ओके, लड़के ने बोतल से एक कटोरी में पानी डाला, ठीक है, अब पेन से रिफिल निकाला। एंड देन यार रिफिल से ये सब चीजें, ओके, अब एक छोटे से पट्टे में रिफिल का इंक लगा करके, और ये ऐसे तैरने लगता है क्या भाई, ऐसा तैरने लगता है क्या, ये तो मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा। चलो देखते हैं। दोस्तों जैसे वीडियो में दिखाया था कि पट्टे के बैक साइड में थोड़ा सा इंक लगाना है, वो तो मैंने कर दिया। अब इंक के रिफिल को पानी में डुबोने वाला हूँ, और जैसे कि देख पा रहे थोड़ा थोड़ा सा बन रहा है, बट इतना परफेक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मैं अब एक काम करने वाला हूँ, ये तो यार खैर अच्छे से हुआ नहीं, क्या ये पट्टा मूव करेगा, पत्ते को भी मैंने डाल दिया है। अरे यार पट्टा थोड़ा थोड़ा करके मूव हो रहा है, बट इतनी अच्छी तरीके से वीडियो जैसा मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी ठीक ठाक ही हुआ, ठीक है। अब जैसे कि देख पा रहा, अब ये लड़का एक नींबू को काट लिया, काटने के बाद नींबू को पील कर रहा है, एंड फिर छिलके को ले करके स्क्वीज कर रहा है। भाई ये साइंस एक्सपेरिमेंट है क्या? ओके, स्क्वीज करके यार एक कैंडल के ऊपर स्क्वीज करा, ठीक है। एंड अब एक बैलून को फुलाया, एंड बैलून को फुलाने के बाद ये कैसे हो गया भाई? ये नींबू एंड बैलून वाला ट्रिक काफी मजा आया, एंड वो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। मेरे पास तो बैलून है नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बट ये एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को डेफिनेटली वो एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, अब ये लड़का एक होल कर रहा है बॉटल पे। ओके, ये हैंड सैनिटाइजर का बॉटल है क्या? नहीं नहीं, ये तो एक नॉर्मल बॉटल है, उसमें हैंड सैनिटाइजर डाला। ओके, एंड देन शेक करा, शेक करने के बाद गाइस ये चीज तो काफी बढ़िया लगा यार, ये चीज काफी बढ़िया लगा यार, मैं डेफिनेटली ये चीज भी ट्राई करूंगा। अब ये वाला देखता हूँ, चलो फिर से एक कटोरी में पानी भरा, एंड उसमें सैनिटाइजर डाल दिए। ओके, एंड लिक्विड सैनिटाइजर है, एंड फिर क्या कर रहा उसने, इनविजिबल फ्लेम। एक मिनट, ये कैसे हो गया भाई? सैनिटाइजर ले करके कटोरी में डाला, एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है, हीट करा क्या उसने? ओ आई थिंक वो हीट ही करा होगा। जैसे कि देख पा रहे हो एक इनविजिबल फ्लेम लग चुका है, जैसे कि देख पा रहे हो ये है ब्यूटेन गैस, एंड यहाँ पर एक स्ट्रॉ लगा दिया है, एंड ये एक प्लास्टिक बोतल है। अब शायद से इस प्लास्टिक बोतल के अंदर हाँ ब्यूटेन गैस भरेगा। अच्छा ये एक्सपेरिमेंट मुझे पता है यार, अब इसमें शायद से ओ पानी डाल देंगे, ये वाला मुझे नहीं पता। ओ शेक करेंगे ना, शेक करने, ओ शेक भी नहीं करा भाई, ब्यूटेन गैस डाल करके बस ऐसे कर दिया तो ये उड़ गया। ओके एनीवेज, ये सैंड है, एंड सैंड एक प्लेट में डाल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे पाउडर्ड शुगर डाल रहा है। ओके, कितना पाउडर्ड शुगर, कितना, 9 ग्राम, अच्छा 20 ग्राम, ठीक है 20 ग्राम पाउडर्ड शुगर। एंड देन बेकिंग सोडा, ओके बेकिंग सोडा कितना, चीनी के ऊपर ही 5 ग्राम बेकिंग सोडा। ओके ठीक है, एंड अब इसको मिक्स करा, एंड देन मिक्स करने के बाद क्या करेगा ये, चलो देखते हैं। इसमें लाइटर फ्यूल, अच्छा यहाँ पे फ्यूल डाल दिए, जो लाइटर में डालते हैं ना वो वाला फ्यूल। ओके, अब इस मिक्सर को शायद से इधर डाल देंगे तो आग लग जाएगा, फॉर श्योर वही चीज़ होगा, या फिर धमाका वमाका होगा क्या भाई? तो यार क्या प्लान करने की कोशिश कर रहा है भाई ये लड़का, कभी ना कभी यार बॉम्ब बनाएगा भाई, मैं बोल रहा हूँ ये बॉम्ब बना करके ही छोड़ेगा। एनीवेज गाइस, ये क्या चीज़ है? अरे यार ये चीज़ मुझे मालूम है यार, एक मिनट पॉज करना चाहूँगा। ये जो चीज़ आप लोगों को टट्टी की तरह दिखाई दे रहा है, ये टट्टी है नहीं यार, आप लोगों ने शायद से यार दिवाली में वो सांप वाला बॉम्ब यार कभी ना कभी लगाया होगा, जिसमें आग लगाते ऐसे सांप निकलता है, राइट। एंड वो सांप एक्चुअली ऐसा दिखता है टट्टी की तरह, ठीक है जैसे कि देख पा रहे हो। ओ ये एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी बढ़िया है यार, अब से दिवाली में मैं यही चीज़ करूँगा यार खुद ही बनाऊँगा सांप वाला बॉम्ब। अभी एक स्ट्रॉ लिया, इसको काटा, ठीक है, अब ये वाला हिस्सा निकल गया। एंड ये च्युइंगम है क्या, ये क्या है, च्युइंगम, च्युइंगम तो नहीं लग रहा है, ये तो लग रहा है मुझे मट्टी, ठीक है, आई थिंक दिस इज क्ले। एंड अब इसको इधर डाल दिए, एंड फिर बोतल को फूल कर रहा है, एंड अब फिर से ढक्कन को लगा दिए बोतल के। अब क्या करेगा ये, कर क्या रहा है? ओ अच्छा गाइस ये तो एक गेम बन गया यार, बोतल को ऐसा प्रेस करते ही यार वो नीचे आ रहा है। ओके, अब फिर से एक नींबू, ठीक है नींबू को काटा, ठीक है। एंड देन वेट अ मिनट गाइस, ये चीज़ तो मैं कर सकता हूँ यार, ये चीज़ मैं डेफिनेटली करूँगा, चलो ये चीज़ भी कर लेता हूँ। पहले क्या करा, हाइलाइटर से, पता नहीं यार हर हाइलाइटर में ये काम करेगा कि नहीं, ठीक है, बट ग्रीन वाले हाइलाइटर से पहले हाईलाइट करे, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद अगर सपोज हमने गलत चीज़ पे हाईलाइट कर दिया, उसको मिटाना है, तो एक नींबू काटो, अगर किचन में एक नींबू है तो वहाँ पर ये कान साफ करने वाला, उसमें थोड़ा सा नींबू का जूस लगा दो, एंड देन वाइप करने के बाद यार निकल जाएगा क्या, चलो देखते हैं यार।
जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे हाइलाइटर से हाइलाइट तो कर दिया, नींबू का रस भी लगा दिया ईयरबड पे, एंड जैसे कि देख पा रहे हो यार कलर तो जा रहा है दोस्तों, पर कलर यार ग्रीन से ये लाइट ब्लू क्यों हो गया? एंड और ज्यादा ऐसे रब करूंगा तो यार पेपर ही फाट जाएगा यार, शायद से मैंने गलत मार्कर ही यूज करा, प्रॉपर रेडियंट वाला मार्कर मुझे लेना था। एनीवे चलो यार हमने ये एक्सपेरिमेंट भी देख लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाता है कलर, ठीक है, लेमन जूस में कलर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो चलो अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एनीवेज एक पानी, एक कटोरी में पानी भरा एंड देन उस पर फूड कलर, ब्लू कलर फूड कलर डाल दिया एंड डिओड्रेंट एंड आग लगा करके, ओरे बाप रे, ये एक्सपेरिमेंट भी काफी बढ़िया लगा यार, फिर से आग लगा करके। भाई आप लोग ये चीज मत करो, लेकिन ये यार एक्सपेरिमेंट घर में करने लायक है नहीं भाई। जैसे कि देख पा रहे हो एक ग्लास के चारों तरफ एक पेपर को रैप करा एंड देन ऊपर लगा दिया, एंड अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो लिटरली ये कागज जला नहीं। ओके, अब एक फुलझड़ी को पानी के अंदर डाल दिए। अब एक मिनट, सेलो टेप कहां पर लगा रहा है भाई ये? अच्छा पूरे फुलझड़ी पे ही सेलो टेप लगा देगा क्या? चलो देखते हैं। ओके, फुलझड़ी तो जल गया। ओ, अब ये फुलझड़ी तो पानी के अंदर भी जल रहा है यार। अगर दिवाली में आप लोगों को अपने बाथरूम के अंदर फुलझड़ी जलाना है तो आप लोग एक फुलझड़ी के ऊपर चारों तरफ उस पर सेलो टेप लगा करके ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज फिर से आप लोग देख पा रहे हो दो पेनों को पेपर से रैप करा एंड देन, अबे ये क्या है? What guys, ये कैसे हो गया? नहीं, ये कैसे हो गया यार? ये चीज तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। आप लोग फिर से देखो, मैं अभी आप लोग को ट्राई करके भी दिखाने वाला हूं। ऐसे दो पेनों को पेपर में रोल करा, ठीक है, ओके, रोल करा एंड रोल करने के बाद जटैक से मारना है, जटैक से मार करके एंड ये लोग स्टिक हो जाएंगे। चलो देखते हैं। जैसे वीडियो में दिखाया था कि एक पेन को ऊपर एक पेन को नीचे, ठीक है, आप यार रोल करना है, वीडियो में जैसे दिखाया था मैं वैसा ही कर रहा हूं। ओके नाउ, ओके पैकिंग इज डन, अब मुझे झटका मारना है, 1 2 3 चलो झटका मार दे, डूम। ओके अब शायद से हो जाना चाहिए, मुझे तो लग रहा है यार हो गया। अब देखते हैं। अरे यार ये तो टाइटा फूस हो गया भाई, ये तो मेरे से हुआ ही नहीं दोस्तों। चलो यार दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो फिर से एक नींबू को दो टुकड़ों में काटे एंड शायद से, ओ ये वाला ट्रिक मुझे पता है, ठीक है, फिर ईयरबड में नींबू का जूस लगा दिए, ठीक है, एंड अब शायद से हाँ एक पेपर में लिखने वाला है एंड ये इनविजिबल इंक का काम करेगा, पता नहीं वो चीज है कि नहीं, ये कुछ लिख रहा है, फिर ड्राई करने के लिए रख दिए। ओ ये फ्लेम वाला ट्रिक, अरे यार ये फ्लेम वाला ट्रिक तो मैं डेफिनेटली करने वाला हूँ, तो चलो गाइस ये वाला ट्रिक भी करके देखता हूँ, मजा आएगा। तो पहले एक नींबू को काटना पड़ेगा एंड जैसे कि देख पा रहे हो मेरे उंगली में अभी तक इंक लगे हुए हैं। ओके नींबू काट करके लेमन जूस लगाना पड़ेगा ईयरबड में एंड आप लोगों को अभी लग रहा है कि ये नींबू इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि आसाम में ना ऐसा ही नींबू मिलता है एंड ये आसाम का फेमस नींबू एंड इस नींबू को बोलते हैं काजी नींबू, ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सब्सक्राइब, तो फटाक से लिख लेता हूँ एंड देन देखते हैं, ठीक है। मच लेते हैं दोस्तों, लेमन जूस तो सूख चुका है, अब मैं लाइटर के मदद से इसको जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास मोमबत्ती है नहीं एंड एस दिख रहा है, एस दिख रहा है, ये क्या हो गया?